आपको भी परेशानी है लोन ऐप्स से और आप परेशान हो चुके हो कांटेक्ट में कॉल करने से। लोन ऐप्स वालों ने आपके कांटेक्ट में कॉल कर दिया है, ऐसे केसेस में अब हम क्या करें, कोई सोल्यूशन बताइए। हालांकि मैंने बहुत वीडियो में आपको सोल्यूशन बताए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग परेशानी में हो, इसलिए मैं सोचा कि आज हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों के ऊपर वीडियो बना देते हैं, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग भी यहाँ पर फर्जी लोन ऐप्स की लिस्ट देखना चाहते हो, जो लिस्ट में आपको जो लोन ऐप्स दिखेंगी उनका 1 रुपये का पेमेंट आपको नहीं करना है। और ये लिस्ट मैंने खुद बनाई नहीं है दोस्तों, मैंने अपने तरफ से नहीं दी, बल्कि ये जो लिस्ट है वो तेलंगाना पुलिस की तरफ से दी गई थी, ठीक है ना। तो आपको कैसे देखना है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, सबसे पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और एक चीज़ ज़रूर करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। इससे क्या होगा कि वीडियो की रीच जाएगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और इन फर्जी लोन ऐप्स की जाल से लोग निकल सकेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप लिस्ट कैसे देख सकते हो। तो दोस्तों आपको एक यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही है, इंडिया बनेगा डिजिटल, ये गूगल पे जाना है सर। दोस्तों ये वेबसाइट आपको सर्च करना है, इसके बाद इंडिया बनेगा डिजिटल सर्च करना है। इसके बाद आपको उसमें एक सेक्शन दिखेगा, उस वेबसाइट को आप ओपन करना है। उसमें एक लोन ऐप्स वाला सेक्शन होगा, लोन ऐप न्यूज़, आपको उसको करना है ओपन। उसमें एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें कि फर्जी लोन ऐप की लिस्ट कैसे देखें, वो आर्टिकल आपको पढ़ना है। उसमें पूरी फोटो है लोन ऐप्स की, कौन कौन सी लोन ऐप्स फ्रॉड फर्जी हैं और किन लोन ऐप्स का पेमेंट नहीं करना है, और 7 दिन की जितनी भी लोन ऐप्स हैं उनका काला चिट्ठा उसमें बताया गया है, फ्रॉड कैसे करते हैं, फर्जी कैसे करते हैं और कैसे आपको इनकी शिकायत करनी है, उन सब के बारे में आपको इस वेबसाइट में पता चलने वाला है। तो ज़रूर एक बार चेकआउट जाके करना और देखना लिस्ट कौन कौन सी है, ठीक है ना। और जिन लोन ऐप से आपको परेशानी है, जो कर रहे हैं परेशान आपको कर रहे हैं अगर, तो कमेंट करके उनका नाम बताइए ताकि हम अगले वीडियो में एक एक करके इनको एक्सपोज कर सके। जिसका ज़्यादा नाम आएगा दोस्तों, जिस लोन ऐप्स का ज़्यादा नाम हमें मिलेंगे हम उस लोन ऐप्स को यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितनी भी 7 दिन की लोन ऐप्स हैं उनको 1 रुपये का पेमेंट नहीं करना है। ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों कि आपके कॉन्टैक्ट वालों के पास ऐसे मैसेज लोन ऐप्स करते हैं कि वो डर जाते हैं। दो तरीके के होते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, एक थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं जो समझते हैं कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जीवाड़े तरीके से। मेरे पास भी दोस्तों मेरे कई बार क्या हुआ कि जो सब्सक्राइबर थे जिनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने क्या करा कि मेरे को एज अ रेफरेंस नंबर के तौर पे दे दिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि रिकवरी एजेंट के मैसेज मेरे पास आते हैं, और मैसेज में क्या आता है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप शायद साइड स्क्रीन पे मैं भी दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देख सकते हो साइड स्क्रीन पे कैसे मैसेज करते हैं। मतलब इस लेवल के मैसेज करते हैं कि आपका नंबर दिया गया है, अगर अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करता तो आपके घर पुलिस आएगी, इस बंदे को बोलो कि 10 मिनट के अंदर पेमेंट कराए नहीं तो आपके घर पुलिस आएगी। मतलब कॉन्टैक्ट वाले को ऐसे ट्रीट करा जाता है कि कॉन्टैक्ट वाले ने लोन लिया हो। तो ऐसे केसेस में दोस्तों जो पढ़ा लिखा होता है वो समझ जाता है कोई फ्रॉडगिरी कर रहा है, ठीक है ना, कोई हमारा मतलब मिसयूज़ कर रहा है कॉन्टैक्ट का। तो दूसरा बंदा जो होता है वो नहीं समझता, उसको लगता है कि ये जो बंदा लोन लिया है उसने वाकई में काम किया है, गलत काम किया है मेरे साथ, तो वो अपने ही कॉन्टैक्ट वालों पर शक करता है, अपने ही रिश्तेदारों पर शक करने लगते हैं। तो ऐसे बंदों को समझाइए दोस्तों कि ये लोन ऐप्स फर्जीवाड़ा कर रही हैं, और ये फर्जीवाड़ा आज से नहीं चल रहा बल्कि 2-3 सालों से चल रहा है, 2019 से चल रहा है दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे पुराने वीडियोस जाके चेकआउट करो, ये कॉन्टैक्ट में कॉल आज से स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत टाइम से हुआ है। फर्जी लोन ऐप की वसूली इसी तरह होती है। हालांकि डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसे घटिया ऐप्स को 1 रुपये का पेमेंट मत करना। कॉन्टैक्ट की रही बात, उनको समझाओ बताओ और कंप्लेंट ज़रूर करो। सबसे इम्पोर्टेंट, लोग कंप्लेंट करना कम कर देते हैं, करते ही नहीं हैं, वो सोचते हैं यूट्यूबर सब कर देगा और यूट्यूबर की वजह से बंद हो जाएगी सारी ऐप्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी शिकायत पे ही पुलिस एक्शन लेगी, यूट्यूबर के वीडियो पे एक्शन नहीं लेगी। आप जब कंप्लेंट करोगे ज़्यादातर लोन ऐप्स के, ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट, 1-2 कंप्लेंट जाएंगी तो कोई एक्शन ही नहीं लेगा, जब मल्टीपल कंप्लेंट जाएंगी तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। अगर आपको नहीं आता कंप्लेंट करना कैसे करना है, तो आपको जो मैंने अभी वेबसाइट बताई थी एक बार फिर से बता देता हूँ, इंडिया बनेगा डिजिटल, इसमें जाना है, उसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है, वीडियो का लिंक भी दिया गया है कि कैसे इन लोन ऐप की शिकायत करनी है, और वहाँ जाके आप शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे,
जो लोग भी घर बैठे कुछ पैसे कमाना चाहते हो रेफर एंड अर्न के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक दिया है। साइन अप करते ही आपको 100 रुपये मिलेगा जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। इसके लिए आपको इस ऐप्स में KYC करनी पड़ेगी। और भी ऐप्स के लिंक मैंने दिए हैं जिसमें आप पर रेफर के 500 से 1000 रुपये गारंटेड कमा सकते हो, जिसके मैंने प्रूफ बहुत सारे वीडियो में बता रखे हैं। हर वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, KYC करना, उसके बाद रेफर करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, और मैं जैसे कि मैंने बताया, हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोन ऐप को एक्सपोज करने वाले हैं। उसके लिए आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में भर भर के लोन ऐप्स के नाम बताना है जो फर्जीवाड़ा कर रही है, उनको हम एक्सपोज करेंगे आने वाले वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ज़रूर पहले नाम बताओ, फिर हम उस पर रिसर्च करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे, उनका एड्रेस देखेंगे, उनकी हर एक चीज़ देखेंगे, कहाँ से वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, रिकवरी एजेंट कहाँ से काम करते हैं, तो सब एक्सपोज करेंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करके हमें बताना है। कोई जानकारी देना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हो, मेरे मेल आईडी अबाउट सेक्शन मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह का मतलब सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।